Hi my lovely lovely foodies, welcome to my home style cooking. आज हम बनाने जा रहे हैं crispy and delicious साबुदाने कटलेट. फास्टिंग में साबुदाना हम सभी खाते हैं, बट कई बार इसे हम सोक करना यानी कि भिगोना भूल जाते हैं. बट आज मैं आपको बिना भिगोए इंस्टेंट साबुदाना कटलेट बनाना बताऊंगी. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैंने दो तरीके से साबुदाने कटलेट बनाना बताए हैं, एक फ्राइड एंड एक नॉन फ्राइड. आपको जो पसंद आता है वो आप जरूर ट्राई करें. एंड मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो चलते हैं हमारी आज की इस रेसिपी की ओर. साबुदाना कटलेट बनाने के लिए हम लेंगे एक कप साबुदाना. ये छोटे बड़े किसी भी साइज के आप यूज कर सकते हैं. इसे भिगोना नहीं है, यही इसका एक बेस्ट पार्ट है. इसे अब हम रोस्ट करेंगे. तो हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन या इसमें जो मॉइस्चर आ जाता है वो इससे चला जाए. कई बार हमें साबुदाना वड़े खाने का मन होता है और हम पहले से इसको भिगोना भूल जाते हैं. तो इस तरह मैं आपको इंस्टेंट साबुदाना कटलेट बनाना बताऊंगी. बस इसे ज्यादा रोस्ट नहीं करना है. अब इसे थोड़ा ठंडा करके हम ब्लेंडर में डाल देंगे. तो ये ठंडा हो गया है, अब इसे हम ब्लेंडर में डाल देते हैं. एकदम पाउडर टेक्सचर में ये रेडी हो गया है, जैसे कि चावल का आटा होता है. अब इसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं. अगर आपको लगे ये पाउडर दरदरा है या मोटा है तो इसे आप छान भी सकते हैं. अब इसी ब्लेंडर में हम रोस्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली भी पीस लेंगे एक फाइन पाउडर टेक्सचर आने तक. एकदम पाउडर टेक्सचर में ये रेडी हो गया. अब इसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं. यहाँ मैंने 4 से 5 बॉइल्ड आलू लिए हैं. इनको अब हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं. आप चाहे तो इनको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, पर ग्रेट करने से ये बहुत ही ज्यादा क्रंची बनते हैं और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आता है. इसी तरह हम सारे आलू ग्रेट कर लेंगे. ये देखिए बढ़िया तरह से ये सारे आलू ग्रेट हो गए हैं. अब इसमें हम ऐड करेंगे ये साबुदाने का पाउडर. मूंगफली पाउडर जो हमने अभी बनाया था, अब इसे भी मैं ऐड करूंगी. अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 छोटी चम्मच शुगर, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, 1 थोड़ी बारीक कटी धनिया की पत्ती, 1 फ्रेश लेमन जूस जिससे एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आता है. अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब अच्छे से मिलजुल जाए और इसकी आटे जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए. इसका आटा ना बहुत ज्यादा कड़क रखना है ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट. अगर आटा आपको थोड़ा सूखा लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं 4 से 5 टेबलस्पून पानी, या बाइंडिंग में प्रॉब्लम हो तो 1 आलू भी आप ऐड कर सकते हैं जिससे नमी आ जाए प्रॉपरली. अब इसे स्मूथ करने के लिए हम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और सबको अच्छे से मिक्स करके बाइंड कर लेंगे. ये देखिए ये एक डो की तरह रेडी हो गया है. अब इसे हम एक अच्छा सा कोई शेप दे देंगे. आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं, कटलेट वाला शेप भी दे सकते हैं, या डोनट्स जो हम खाते हैं उसका भी शेप दे सकते हैं.
आपको जो पसंद आए वो शेप आप इसे दे सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में अलग कर लेती हूँ, फिर इसे देंगे हम एक बढ़िया सा शेप। तो ये सारे छोटे पीसेस में मैंने इसको अलग कर लिया है और इस तरीके का एक शेप मैं इसको दे देती हूँ। इस तरह सारे शेप्स आप रेडी कर लीजिए। मैंने कुछ ओवल शेप के दिए हैं और कुछ राउंड भी। अब 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए हम रख देंगे ताकि इसकी नमी पूरी तरीके से चली जाए और इसका एक क्रंची टेक्सचर आए और ये क्रिस्पी बने। जब तक हमारा ये डो रेडी होता है तब तक हम बना लेते हैं फास्टिंग वाली चटनी। तो यहाँ मैंने एक ब्लेंडर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी पीनट्स, 2 से 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, 1 टुकड़ा अदरक का, फ्रेश धनिया पत्ती जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, 2 टेबलस्पून दही, दही की जगह आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इन सबको हम बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे। पानी की जरूरत हो तो आप वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट दही के कारण डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको चटनी थिक रखनी है या एकदम पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ हमारी चटनी रेडी हो गई है, लाइट ग्रीन कलर की। ये देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हमारे साबुदाना कटलेट को फ्राई करने की प्रोसेस पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये मीडियम फ्लेम पर गरम हो जाएगा हम एक एक करके हमारे सारे कटलेट इसमें डालते जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या ये जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। एकदम फुल फ्लेम पर इसे ना तलें क्योंकि ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। फ्लेम आप मीडियम हाई पर ही रखिएगा। जो जो कटलेट एक साइड से ब्राउन होता जाएगा उसे हम पलटते जाएंगे। ये देखिए सब हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब एक एक करके इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं ना। अब इसका दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ, उनके लिए जिनको ऑयल से परहेज है या जिन्हें ऑयल पसंद नहीं है या वो वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक पैन लेंगे और इसको ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। पैन के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम एक एक करके सारे कटलेट्स रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब इन कटलेट्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल से ब्रशिंग कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम पर ही इसे पकने देंगे। फ्लेम हाई करके इसे ना सेके, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये एक साइड से पूरी तरह से पक चुके हैं, अब इसे हम टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाने देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं हमारी ये बढ़िया से कटलेट लेस ऑयल में।
तो ट्राई करिए इस बढ़िया सी रेसिपी को और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।